नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें दो के मल्टीपल फंदे चाहिए। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जोड़े में फंदे चाहिए। तो देखिए, दो 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 दो, मैंने 14 फंदे डाल रखे हैं और थोड़ा सा बॉर्डर बना दिया है। अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा पहला लाइन है, तो हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो, फिर ऊन दूसरी ओर, दो फंदा सीधा, एक दो। तो पहले फंदे को छोड़ देंगे और इन्हीं चार फंदों को हमें दोहराना है, ऊन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, दो फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर। अब लास्ट में तीन फंदे बचे हैं तो तीनों सीधा हो जाएगा। अब ये लाइन हमारा फाउंडेशन रो है, इसे हम डिज़ाइन में नहीं काउंट करेंगे, ये हमारा फाउंडेशन रो है। तो अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड, तो यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। अब ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, हमारा ये एज स्टिच है, इसे या तो उल्टा बुनिए या फिर स्लिप कर लीजिए। अब देखिए, ये दो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में हम एक साथ सिलाई डालेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे, एक। अब थोड़ा सा इसको ऐसे खींचेंगे, उनको सिलाई में लपेट लेंगे और वापस इसी में एक और फंदा, तो ये हो गया तीन फंदा। अब फिर हम उन सिलाई में लपेटेंगे और इसी में एक बार और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, तो हमने दो फंदों से पांच फंदे बना लिए। पहला फंदा एज स्टिच है, फिर एक दो तीन चार और पांच, हमने दो फंदे से पांच फंदे बना लिए। अब हम इसको गिरा देंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, देखिए दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं तो इसे हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें दोहराना है। अब जो दो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, हमने सामने से सीधा बुना था, रॉन्ग साइड से उल्टा बुन रहा दिख रहा है, तो उनको अपनी ओर करेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए इसमें से हमें पांच फंदा बनाना है, एक, उन सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर इसी में दो, उन सिलाई में वापस लपेट के आएंगे और इसी में पाँच, दो से हमने पांच फंदे बनाए, इसे गिरा देंगे उन दूसरी ओर, अगला दो फंदा सीधा। तो इन्हीं चार फंदों को हमें दोहराना है, दो उल्टे फंदों से हमें पांच फंदा बनाना है, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, लास्ट फंदा एज स्टिच है तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे,
उनको अपनी ओर करेंगे। देखिए दो फंदे उल्टे दिखाई देना है तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए हमने दो फंदों से पांच फंदा किया था, हमने रॉन्ग साइड में दो उल्टे फंदों से पांच फंदे बनाए थे। अब ये सामने की तरफ सीधे दिखाई देना है तो इन पांच फंदों को हम दो हिस्से में बांटेंगे, तो एक तरफ तीन फंदा हो जाएगा और दूसरी तरफ दो फंदा हो जाएगा। तो हम तीन फंदों को लेंगे और सीधा बुन लेंगे और फिर इन दो फंदों को ऐसे बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो पांच फंदों को हमने दो फंदे बना लिए, हमने दो से पांच बनाए थे और फिर सामने की तरफ से हमने पांच को वापस दो फंदे बना लिए, यानी जितने थे वापस हमारे पास उतने ही फंदे हो गए। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें दोहराना है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा, ऊन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर। अब पांच फंदों को दो भागों में बांटना है, एक तरफ तीन फंदा और एक तरफ दो फंदा। तो हम तीन फंदा लेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदा लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तीन से हमने एक किया और फिर अब दो फंदे बचे हैं तो इन्हें हम बैक लूप से दो का एक कर लेंगे। तो तीन से तो ये वापस पांच से दो फंदे हो गए, उन अपनी ओर, अगले फंदे दो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे हमारे पास पांच फंदे हैं जिन्हें हमें दो करना है, तो एक साइड में हम तीन फंदा रखेंगे और दूसरी साइड में दो फंदे। तो दो फंदा लिया, बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक, लास्ट फंदा है जिस स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारा तीसरा लाइन है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये दो फंदे हमारे उल्टे दिखाई दे रहे हैं जिस पे हमने डिज़ाइन बनाया था, तो अब की हम इन्हें सीधा बुनेंगे, उल्टे वाले फंदे सीधे, उन अपनी ओर। अब देखिए ये दो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है तो अब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और इसमें पांच उल्टा फंदा बनाएंगे, एक थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे, लपेटेंगे वापस, इसी में तीन हुआ, लपेटा एक बार और, तो हो गए तीन से पांच फंदे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें दोहराना है। उन दूसरी ओर दो उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हमें सीधा बुन लेना है, उन अपनी ओर, और दो सीधे फंदे हैं इन्हें हमें दो से पांच उल्टा फंदा बनाना है। थोड़ा सा ऐसे खींचा, सिलाई में लपेटा, फिर इन्हीं में एक बार और उल्टा लपेटा और इन्हीं में एक बार और उल्टा, तो दो से हो गए पांच फंदे। उन दूसरी ओर अब दो उल्टे फंदे दिखाई देना है, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे, यानी हमारा पहला ही लाइन है, बस हमने थोड़ा सा चेंज किया है, उल्टे फंदों पे सीधा और सीधे फंदों पे उल्टा। लास्ट फंदा एज स्टिच, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। अब देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब ये हमने दो से पांच फंदे बनाए थे तो इन्हें हम दो हिस्से में बांट देंगे, एक तरफ तीन फंदा और एक तरफ दो फंदा। तीन फंदा लिया, सीधा बुनते हुए तीन का एक। अब दो फंदे बचे तो इन्हें हम लेंगे एक साथ और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब उन अपनी ओर, अगला दो फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे।
देखिए इन पांच फंदों को हमने दो से पांच किए थे, तो वापस हमें पांच से दो करना है। इसके लिए इसे दो हिस्से में बांटेंगे। एक बार हम तीन फंदों को लेंगे और फ्रंट लूप से तीन का एक करेंगे, और दूसरी बार दो फंदे लेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे। उन्हें अपनी ओर अगले दो फंदे उल्टे दिखाई देना है, उन्हें हम उल्टा बोलेंगे। पांच फंदों को दो हिस्से में बांटेंगे। एक तरफ तीन फंदा लेंगे, सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। अब दूसरी तरफ दो फंदे लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक। देखिए छोटा छोटा ऐसे बूटी बनता हुआ चला जाएगा। उन अपनी ओर लास्ट में दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए ऐसे ही छोटे छोटे बूटी बनते चले जाएंगे, और इन्हीं चार फंदों और चार लाइन को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है, और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं चार फंदों को और चार लाइन को हमें दोहराना है, और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। छोटी छोटी बूटी का प्यारा सा डिज़ाइन, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।